हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और शॉपिंग का हॉल वीडियो फ्रॉम अमेजोन। कॉटन कुर्तीज एंड बॉटम वेयर का हॉल आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में। इन सभी के बाइंग लिंक्स अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सिंगल लिंक मिलेगा, जिसको आप ओपन करोगे तो आपको इन सभी के लिंक्स मिल जाएंगे और आप जो है वहाँ से जो भी आपको आउटफिट पसंद आ रहा है आप उसको टैप करोगे, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे अमेजोन से, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो आज के जो हॉल रहेगा उसमें सारे कॉटन आउटफिट रहेंगे एंड सभी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, अमेजोन पे समर सेल भी स्टार्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए ये टाइम शॉपिंग करने का। तो फर्स्ट जो रहेगा हमारा ये कॉटन का कुर्ता रहेगा, ब्लू कलर में है ये और जनासाई ब्रांड से है। तो ये बहुत ही प्यारा सा कॉटन में कुर्ता रहता है स्ट्रेट कट में, जो कि आप डेली यूज़ के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए आराम से कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। राउंड शेप में आपको नेक मिलेगा, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलता है। फ्रंट एंड बैक साइड यू कैन सी बोथ साइड में आपको काफ़ी अच्छा प्रिंट मिल जाएगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है ये एंड रेगुलर वॉश वगैरह भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ, अगेन ये भी जो है ना कॉटन में आएगी एंड ये जनासाई ब्रांड की कुर्ती है। सो ये जो कुर्ती रहेगी, वैसे तो ये है स्ट्रेट कट में बट इसका जो नेक बनाया गया है पूरा ये अंगरखा कॉन्सेप्ट दिया गया है। आपको यहाँ पे शॉर्ट स्लीव मिलेगी, पूरा प्रिंट में आता है, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिलता है। बहुत ही प्यारा कॉटन का इसका फैब्रिक है, पहनने पर सुपर कंफर्टेबल है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस टाइप का कुछ ज़रूर बाय करिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप उसको रेगुलर वॉश कर सकते हो। साइज़ जो मैंने इसके अंदर पिक करा है वो मैंने एक्सेल लिया है। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये व्हाइट कलर में है एंड ये कॉटन की कुर्ती है। तो अगर आपको कॉटन की कुर्ता ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो ये वाली कुर्ती आप ज़रूर ट्राई करो, आप बिल्कुल मिस मत करना इस कुर्ती को। तो इसमें आपको पूरा लाइट प्रिंट मिलेगा एंड ये स्ट्रेट कट में आती है। नॉर्मल कुर्तीज से ये थोड़ी सी लॉन्ग रहती है, तो अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेगी। और अगर आपके पास में ब्लैक कलर का प्लाजो या फिर ब्लैक कलर का ट्राउज़र हो तो उसके साथ में अगर आप पहनोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आएगा, स्पेशली इन एंकल लेंथ पैंट्स बहुत ही प्यारा लगेगा ये कुर्ता। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट कट में बहुत ही प्यारा सा ये कॉटन में कुर्ता मिल जाता है। फ्रंट एंड बैक साइड यू कैन सी बोथ साइड में प्रिंट मिलेगा आपको। फ्रंट साइड में इसमें जो बटन्स की डिटेलिंग करी गई है ये जस्ट लुक के लिए है, इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए है। ये वाला जो कुर्ता है वाइट कलर में है एंड कॉटन के मटेरियल का है, इस वजह से ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इसके साथ में इनर वेयर करना पड़ेगा। ओवरऑल बहुत ही प्यारा कुर्ता है, ऑफिस वगैरह के लिए भी एक डिसेंट कुर्ता रहेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको ज़रूर पिक कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ ये भी ब्लैक कलर में है और ये भी पूरा कॉटन में आएगा। ये जो है कुर्ता एंड बॉटम वेयर का सेट रहेगा, अभी तक जो मैंने आपको दिखाया वो सारी कुर्तीज़ थी, ये सेट में आएगा। तो यहाँ पे ये भी कॉटन में रहता है और ये ब्लैक कलर में आएगा। ये भी डेली यूज एंड ऑफिस के लिए, स्पेशली इन समर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको पूरा ये प्रिंट मिलेगा, वी शेप में नेक मिलता है, स्लीवलेस कुर्ता आएगा। इसके साथ में आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्लीव नहीं मिलती है, तो आपको अगर स्लीवलेस पहनना पसंद है तो ही आप इसको पिक करें। स्ट्रेट कट में रहता है, सिंपल सोबर, मतलब बहुत ही अच्छा सिंपल सोबर सा कुर्ता है, जो कि ऑफिस के लिए या फिर कैजुअल वेयर के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, आप इसको रेगुलर वॉश कर सकते हो घर पे। इसके साथ में आपको मिलता है कुछ इस टाइप का पैंट जो कि रहेगा कुछ इस टाइप के फ्लेयर के साथ में, तो फ्लेयर इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो अगर आपके लेग्स थोड़े हैवी है, थाइस थोड़े हैवी है, तब भी आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको इलास्टिक मिलता है अच्छा सा और पूरा जो फ्लेयर है बॉटम का वो बहुत ज़्यादा सही मिल जाता है। अगेन मैं रिपीट करूँगी, फैब्रिक की क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करो। क्योंकि कॉटन जो होता है ना आप कभी भी, मतलब ठंड में भी वेयर कर सकते हो, गर्मी में भी वेयर कर सकते हो, बट दूसरे मटेरियल आप कॉटन के साथ में कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो अगर आपको कॉटन में चाहिए तो ये सारे आउटफिट कॉटन के हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट जो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी वो है बॉटम वेयर। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्यारा सा प्लाजो पैंट, तो ये बहुत ही सुंदर सा प्लाजो आएगा जिसमें आपको नीचे कुछ इस टाइप का क्रोशिया का जो है ना काम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और काफ़ी अच्छे फ्लेयर का ये प्लाजो रहेगा। ये रहेगा रेयॉन के फैब्रिक में,
तो आप जो है इसका ट्राई ऑन, जो हमारी फर्स्ट कुर्ती है, हमारी जो सेकंड कुर्ती है उसके साथ में आप इसका ट्राई ऑन देख सकते हो। तो ये जो कलर है ना, ये मोस्टली कुर्तीज में आराम से मिक्स एंड मैच हो ही जाएगा। तो ये इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, एंड स्पेशली मैंने प्लाजो इसलिए पिक करा बिकॉज गर्मियों के टाइम पे जो है ना प्लाजो ज़्यादा बेटर रहते हैं, बिकॉज वो लूज रहते हैं। ज़्यादा टाइट कपड़े, ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े हमको जो है इरीटेट कर सकते हैं, हमारी स्किन को जो है ना इरीटेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्लाजो लिया। तो अगर आपको भी प्लाजो की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको ज़रूर ले, बिकॉज इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग ले ले। एंड प्लाजो में आपने साइज कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं थोड़ा सा ईजी आपके लिए कर देती हूँ। आप ये ध्यान दीजिए, आप कुर्ती कौन सी साइज़ की पहनते हो, जिस साइज़ की आप कुर्ती पहनते हो या जिस साइज़ का आप कुर्ता सेट पहनते हो, बिल्कुल वही साइज़ का अपने प्लाजो या फिर पैंट्स वगैरह जो भी आप परचेज करते हो बॉटम के अंदर, उसी साइज़ का लेना है। तो मैं कुर्ता सेट या फिर कुर्ती एक्सेल साइज़ में पहनती हूँ, इस वजह से मैंने इसमें भी साइज़ एक्सेल ही लिया है। तो प्रॉपर फिटिंग मिलता है, क्योंकि रेडीमेड का फर्मा जो होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से जो है डिसाइड कर सकते हो कि आपका साइज़ कौन सा बैठेगा बॉटम में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।